हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी, मैं हूं ऋषभ, आपका एक्सेल दोस्त, और इस बार हम यूजर फॉर्म्स से स्टार्ट करेंगे अपना डिस्कशन। दोस्तों, आपने शायद कभी देखा होगा कि एक्सेल में जब आप फाइल्स कोई इंटरनेट से डाउनलोड करते हो और बटन्स क्लिक करते हो तो इस तरह के डायलॉग बॉक्स आपके स्क्रीन पर आते हैं। ये आपसे इनपुट कलेक्ट करता है और फिर डेटाबेस को अपने आप फिल करना स्टार्ट करता है। आइए एग्जांपल दिखाता हूं आपको। मेरे सामने है दो कॉलम जिसका पहला नाम है फर्स्ट नेम और दूसरा नाम है लास्ट नेम, और मेरे पास एक बटन है जिसे मैं क्लिक करने वाला हूं। क्लिक करते ही मेरे पास दो टेक्स्ट बॉक्स आ चुके हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो मैं पहला नाम अपना टाइप करता हूं और फिर लास्ट नेम, और फिर प्रेस करता हूं ओके। आप देख रहे हो किस तरह आसानी से सेकेंड रो में ये दोनों डेटा के पॉइंट्स अपने आप भर गए हैं। अगर मैं इसे रीसेट करता हूं, पुराने नाम गायब, और अगर मैं एक नया नाम लिखूं, एक्सेल सुपरस्टार जो हम सब हैं, हम क्लिक करते हैं ओके पे। वाओ, तो इस तरह हम देखेंगे अगले वीडियो में किस तरह एक बेसिक यूजर फॉर्म के जरिए हम ये काम कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, एक्सेल ने आपको बहुत सारे यूजर फॉर्म के अलग अलग एलिमेंट्स दिए हैं, और जैसे जैसे हम वीडियोज में आगे बढ़ेंगे मैं इन सब के बारे में आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको एक छोटे से टूर पे ले जाऊंगा जहां पे ये बटन्स कहां बनते हैं वो आपको पता चल सके। तो आते हैं डेवलपर टैब पे। अगर आप चाहें तो ऑल्ट F11 पर भी क्लिक कर सकते हो इस विजुअल बेसिक को एक्टिवेट करने के लिए, और फिर आप देखोगे ये है प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। अगर आपके स्क्रीन पर ये ना दिख रहा हो तो प्लीज जाइए व्यू में और क्लिक कर दीजिए प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर। जनरली ये दो ऑप्शंस हमेशा एक्टिवेटेड होने चाहिए, राइट? अब मैं जाऊंगा इंसर्ट और यूजर फॉर्म में। आप देखोगे एक नया नाम बन के आया है, यूजर फॉर्म 1। अब ये विंडो जो आप देख रहे हो ये यूजर फॉर्म का वर्किंग एरिया है, यहीं पे हम सारा डिजाइन और कॉन्फ़िगरेशन करने वाले हैं। अगर आपके सामने टूल बॉक्स नहीं दिख रहा हो कोई डर नहीं, आप जा सकते हो व्यू में और क्लिक कर सकते हो टूल बॉक्स पे। तो यही वो सारे एलिमेंट्स हैं जिसे हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपना यूजर फॉर्म तैयार करने वाले हैं। तो फिलहाल मैं सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे ये ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखा रहा हूँ, जस्ट ताकि आपको पता चल सके कि किस तरह के अलग अलग एलिमेंट्स पाए जाते हैं, राइट? बट इसे कैसे कॉन्फ़िगर करना है, डिज़ाइन करना है, ये हम देखेंगे हमारे अगले वीडियो में। तो दोस्तों, ये था एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन वीडियो ऑन यूजर फॉर्म्स पार्ट 1। इंतज़ार कीजिए पार्ट 2 का।